अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चाइना ग्रास चॉकलेट पुडिंग। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए हमने लिया है आधा लीटर दूध। आप दूध कोई भी ले सकते हैं, फुल फैट या लो फैट, जो आपके घर में दूध आता है वही दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल दूध की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने लिया है आधा कप चॉकलेट, ये मिल्क चॉकलेट है, इसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, हाफ कप दूध मैंने अलग से लिया है, कोको पाउडर इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 8 ग्राम चाइना ग्रास। इस किस तरह से पैकेट आती है चाइना ग्रास की, इसे अगर अगर भी बोलते हैं। तो मैंने इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। हम इसके अंदर डाल देते हैं हाफ कप पानी और इसे 10 मिनट तक इसी तरह हम छोड़ देते हैं। ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसे हम पकाकर मेल्ट करेंगे। अब जो हमने हाफ कप दूध लिया था उसे हम ग्लास में डालते हैं, किसी बड़े बर्तन में डालेंगे। इसके अंदर डाल देंगे कोको पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसके अंदर लम्स ना रहे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पे मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया है, गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे दूध में उबाल आ गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप शुगर डाला है। आप जितना मीठा खाते हैं उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर को मेल्ट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे शुगर मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कोको पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा है, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। साथ ही चॉकलेट डाल देंगे और इसे हम चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है। अब इसे हम दूसरे चूल्हे पे कर देते हैं। तो मैंने चॉकलेट वाले दूध को दूसरे चूल्हे पे कर दिया है, उसे मैं चलाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैंने रख दिया है चाइना ग्रास जो मैंने भिगा के रखा था पानी में। अब इसे हम पका लेंगे मेल्ट होने तक। इसे चलाते रहेंगे, ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा जब तक हमें इसे पकाना है। भिगा कर रखे थे 10 मिनट के लिए तो एकदम से सॉफ्ट हो गया है, मेल्ट होने में इसे टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट के अंदर चाइना ग्रास एकदम से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने लो फ्लेम पे इसे पकाया है। आप गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जो दूध पक रहा है, अब इसके अंदर हम चाइना ग्रास को डाल देंगे। तो गैस के फ्लेम को हमने एकदम से लो कर दिया है, इसके अंदर डाल देंगे और चलाते रहेंगे, डालते रहेंगे चलाते रहेंगे। अब इसे हम चलाते हुए एक उबाल आने तक पका लेंगे ताकि चाइना ग्रास अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो इसके अंदर उबाल आ गया है, चाइना ग्रास अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसे हम इसी तरह छोड़ देते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसे हम फ्रीज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। जब एकदम से चिल्ड हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर इसे हम पीस काट कर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमारी पुडिंग अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं।